नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। देखिए, रेलवे के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जहां पर आप लोगों को लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इवन मैंने टेक्निकल की भी क्लास शुरू कर दी है। आज इलेक्ट्रिकल का पहला लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, टेक्निकल मैं पूरा पढ़ाऊँगा। और मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जिन लोगों को ज्वाइन करना है, जहाँ पर मैं जो भी पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर, सारे पीडीएफ टेक्निकल, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप मेरे पेड पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हैं। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिखकर भेजेंगे। अगर आपको लोको पायलट के लिए ज्वाइन करना है तो लिख के भेजना है लोको पायलट, अगर ग्रुप डी के लिए तो लिख के भेजना है ग्रुप डी। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर आज के इस मॉडल सेट में 23 क्वेश्चन है। 23 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट करके बताओगे ईमानदारी से। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका परजीवी है जल्दी से बताइए? मलेरिया रोग का। जिसका सही हो गया उसका एक नंबर, जिसका गलत है उसका जीरो। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, प्रतिकरण मतलब किसका एक रूप है, तो ये है इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मतलब ये है कि जो जड़ें आगे चलकर खाने योग्य बन जाती हैं उनको बोला जाएगा जड़ों का रूपांतरण। जैसे मूली है, मूली को क्या कहेंगे, ये तना नहीं है, ये जड़ है। जड़ होती है, वो फूलते फूलते ऐसी हो गई कि वो खाने की योग्य हो गई। इसी तरीके से गाजर है, उसी तरीके से शकरकंद है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तना, तने की बात करें तो आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा और प्याज हो जाएगा। मतलब ये तने का रूपांतरण इस तरीके से हुआ कि वो आगे कन्वर्ट होके आलू बन गया, अदरक बन गया और प्याज बन गया। ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद में देखो, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे की पूरी तैयारी इकलौते यहाँ पर कराई जा रही है, तो रेगुलर वे में यहाँ पर करेंगे। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्योंकि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पौधे इसको करते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, यानी कि 23 जोड़े। कभी कभी आपसे जोड़े में पूछ लेगा तब आंसर टिक करेंगे 23, और अगर वैसे पूछे तो टिक करेंगे 46। अगला है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं, अस्थि मज्जा में। उसके बाद में है, इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर, अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितने आपके क्वेश्चन सही हुए उसका काउंटिंग भी रखना साथ में आपको, सो दैट गलती ना हो जाए। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं, तो पहला तो है वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया, ठीक है। उसके बाद में थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पर, थायराइड ग्रंथि में। तभी तभी किसी को, किसी किसी लोगों को थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये थायराइड ग्रंथि होती कहाँ पर है, हमारे गले में। जैसे ये हमारा चेहरा है तो ये इस जगह थायराइड ग्रंथि आपकी पाई जाती है। मछलियाँ सांस लेती हैं किसके द्वारा, गिल्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने के पचाने में काम आता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा।
प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में रिसाव किस गैस का हुआ था? ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, 23 क्वेश्चन है, 23 में से आपका कितना स्कोर आया है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए।